नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं OTG यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है और उसने आपने कोई पहले से नॉमिनी ऐड कर रखा है और बाय चांस अगर आपको उस नॉमिनी को अब कैंसिल करवाना पड़ जाए या उस नॉमिनी को अपने बैंक अकाउंट से हटवाना पड़ जाए, तो उसके लिए आप ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, मैं आपको लाइव ऑफलाइन फॉर्म भर के दिखाऊंगा। साथ ही साथ उसका एक एक ऑप्शन आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि बाय चांस कभी आपको नॉमिनी अपने अकाउंट से डिलीट करवाना पड़ जाए तो आप वो फॉर्म कैसे भरेंगे और उसे बैंक में किस तरीके से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट के साथ जमा करवाना है, तो वो आपको। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक ताकि फॉर्म का एक एक ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद कभी अगर फॉर्म भरना पड़े तो आप खुद ही फॉर्म भर पाए बिना किसी की हेल्प के। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, SBI में नॉमिनेशन कैंसिल करने का फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है। आप चाहें तो इस फॉर्म को डायरेक्ट बैंक ब्रांच से भी ले सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट ले सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको अगर सिंगल अकाउंट है तो आई पर टिक लगाना है और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो वी पर टिक लगाना है। उसके बाद जिसके नाम पर अकाउंट है उसका पूरा नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद उसका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। कुछ इस तरीके से कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर भर देना है। कुछ इस तरीके से ये दोनों डिटेल भरने के बाद अब यहाँ पर ये देखिए आपको मी या अस पर टिक लगा देना है। उसके बाद जो नॉमिनी आप कैंसिल करवाना चाहते हैं यानी जिस नॉमिनी का नाम आपने पहले से अपने अकाउंट में ऐड करवा रखा है उस नॉमिनी का नाम आपने यहाँ पर लिखना है जिसे अब आप इस फॉर्म के द्वारा अपने अकाउंट से हटवा देंगे और उसके बाद आपको उस नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ऊपर एड्रेस भरा था वैसे ही कंप्लीट एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने अकाउंट की डिटेल देनी है यानी जिस अकाउंट से आपने नॉमिनी हटवाना है वो अकाउंट नंबर आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखिए, नेचर ऑफ द अकाउंट में सबसे पहले आपने लिखना है कि आपका अकाउंट जो सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सेकंड कॉलम में अकाउंट नंबर के नीचे लिखना है आपको अपना कंप्लीट अकाउंट नंबर। उसके बाद कोई एडिशनल डिटेल्स हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है तो वन बाय वन करके आपको सारे अकाउंट एक के नीचे एक लिख देने हैं। उसके बाद ये आपको यहाँ पर प्लेस का नाम लिख देना है और उसके बाद तारीख डाल देनी है उस दिन की जिस दिन आप ये फॉर्म बैंक में जमा करवाएंगे। इतना करने के बाद आपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं यानी जिसके नाम का अकाउंट है उसने सिग्नेचर कर देने हैं या फिर थंब इम्प्रेशन लगा देना है। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब उसके बाद दो विटनेसेस की डिटेल की आपको जरूरत पड़ेगी। दोनों विटनेस की अलग अलग बॉक्स में डिटेल भरनी पड़ेगी। सबसे पहले पहले विटनेस के सिग्नेचर, उसके बाद दूसरे विटनेस के यहाँ पर सिग्नेचर चाहिएंगे। ऐसे ही फिर पहले विटनेस का नाम, फिर दूसरे विटनेस का नाम आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद पहले विटनेस का एड्रेस आपको पहले बॉक्स में लिखना है कंप्लीट एड्रेस, और दूसरे विटनेस का कंप्लीट एड्रेस आपको दूसरे बॉक्स में लिखना है। ऐसे ही फिर प्लेस और डेट आपने लिख देनी है जिस जगह ये फॉर्म जमा होगा, ऐसे ही आप लिख देंगे डेट। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है और बैंक में इसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ जमा करवा देना है। जो भी डॉक्यूमेंट बैंक आपसे इस फॉर्म के साथ मांगेगा तो आपके अकाउंट से जो है नॉमिनी कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप कि आपको आज की वीडियो यूजफुल और काम की लगी हो और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही काम की और यूजफुल वीडियोस आपको रोजाना मेरे चैनल पर मिलती रहे। दोस्तों, SBI के ऊपर एक यही वीडियो नहीं बल्कि बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं।
जिसमें आपको SBI के ऑनलाइन ऑफलाइन फीचर्स से लेकर अलग अलग वीडियोज मिल जाएंगी जो आपकी डेली लाइफ में आपके अकाउंट को मैनेज करने के बहुत काम आएंगे।